यूपी के श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में दो दिन से लापता जिला पंचायत सदस्य का राप्ती नदी के भखला पुल के पास मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में दो दिन पूर्व लापता हो गए थे जिला पंचायत सदस्य। भखला नदी पुल के पास से लापता जिला पंचायत सदस्य का शव मिला है। पुलिस टीम गुमशुदगी दर्ज कर जिला पंचायत सदस्य की कर रही थी तलाश। भिनगा कोतवाली के दहाना बस स्टेशन के पास का निवासी बताया जा रहा मृतक जिला पंचायत सदस्य धनंजय यादव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हाउस पर शव पहुंचते ही लोगों की उमड़ी भारी भीड़। एएसपी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का चल सकेगा पता। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भखला पुल नदी की यह घटना है, जहां से जिला पंचायत सदस्य का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने कल गुमशुदगी दर्ज की थी, तभी से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। आखिरकार आज भिनगा कोतवाली के ही भखला पुल के पास से जिला पंचायत सदस्य धनंजय यादव का शव बरामद किया गया। सर, जिला पंचायत सदस्य का आज शव मिला है, कब गायब हुआ था सर, वो क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है सर, और आज जो शव मिला उसमें क्या कहेंगे? ये जिनका शव मिला है वो धनंजय यादव जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनके बारे में कल गुमशुदगी दर्ज की गई थाना भिनगा में। इनके परिजन आए थे कल और लगातार टीमें इनकी तलाश कर रहे थे। आज जो इनकी बॉडी मिली है, बॉडी का पंचायतनामा किया जा रहा है, इसके बाद पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष का शव मिला है, कौन है वो आपके और कब लापता हुए थे और किस कंडीशन में शव मिला? हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, परसों शाम को 8:30 बजे घर से निकले, उसके बाद लापता हो गए। हम लोगों ने तहरीर भी दी थाने में, छानबीन हुई, हम लोगों ने ढूंढा, उसके बाद जब सुबह अभी ढूंढने आए, गोताखोर आने वाले थे तो उससे पहले हम लोग आ गए। जब हम लोगों ने नीचे जाके देखा तो उनकी बॉडी साइड में पड़ी हुई थी पानी से, वही नदी के नीचे, नदी से नीचे उतर के जब जाओ थोड़ी दूर पे बाएं हाथ पे पड़ी हुई थी। क्या लगता है लापता हुए तो? लापता हुए नहीं, उनको लापता किया गया, उनका सीधा सीधा मर्डर किया गया। किस पे शक है आप लोगों को? अब अभी तो शक तो मुझे किसी पे नहीं है, लेकिन आशंका आप लोग को? आशंका है कि वो उनका मर्डर हुआ है, कोई उनको लेके आया वहाँ से, फिर उसके बाद वो लापता हुए। दुश्मनी तो किसी से नहीं थी। क्या शरीर पे निशान? हाँ, निशान है, गले पे निशान है, जकड़ने का, आँख पे चोट है, ब्लैक हो गया है सब, नाक से खून आ रहा है, कान से ब्लड आ रहा है, कमर पेट पे निशान है, कुछ जगह पे निशान है चोट के। क्या नाम है आपका और जो आज शव मिला है जिला पंचायत सदस्य का, क्या है वो पूरा? हमारा नाम अता रसूल खान है, जिसका शव मिला है वो धनंजय यादव है, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य थे। परसों से 21 तारीख की शाम 8 बजे से घर से निकले, उसके बाद लापता हो गए। तो परसों रात में हम लोग खोजे, फिर कल पूरा दिन खोजे, कल जो फिर हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद से सर्विलांसल के द्वारा पता किया गया कि राप्ती नदी का लोकेशन मिल रहा था। हम लोग लगातार कोशिश जारी थी, उसके बाद में आज अभी आधे घंटे पहले लाश बरामद हुई है, तो अब मर्चरी हाउस पे आए हैं, पीएम होना, उसके बाद कुछ क्लियर होगा कि क्या हुआ। प्रथम दृष्टया शरीर पे चोट के निशान भी हैं, आँखों पे निशान है और गले में भी निशान है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो पानी कम होने की वजह से वही लाश रुक गई। अब वो तो पीएम होने के बाद में जांच का विषय है कि क्या कहा जा सकता है। फिलहाल लाश मिली है पीएम। मैं समाजवादी पार्टी का जिला महामंत्री हूँ, जिला महासचिव हूँ श्रावस्ती का। क्या